डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 9 बीपीएससी के लिए फाइनली आज नोटिफिकेशन आ गया। हालांकि लग रहा था कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही आएगा, लेकिन थोड़ा अर्ली आया है। इसका मतलब है एग्जामिनेशन समय पे अपने हो सकता है। एग्जामिनेशन का डेट 30 सितंबर है, तो कमर कस लीजिए। वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, 15 जुलाई से आप फॉर्म भरेंगे 5 अगस्त तक, और फॉर्म भर के 30 सितंबर को आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, इसे निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें कुछ बातें बहुत हार्ड है, टफ है और जानने और समझने वाली है। पहली बात, सीटों की संख्या उतनी नहीं है जितना हम सभी वेट कर रहे थे। 500 से ऊपर हम सभी को लग रहा था कि 500 से ऊपर सीटें जाएंगी, लेकिन सीटों की संख्या 346 है, 346। इसमें भी बीपीएससी वाली वैकेंसी के लिए 236 पोस्ट है, ओनली 236 पोस्ट। ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सीटों की संख्या लग रहा है कि अब 300-400 के बीच ही रहेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पहली बार कंबाइंड फॉर्मेट में हो रहा है, जिसमें सीडीपीओ, एफपीओ, एपीओ जैसे एग्जाम एक साथ होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। पहले बीपीएससी ने कहा था कि अब जो 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा कंबाइंड होगा, यानी इसमें कई सारे एग्जाम्स एक साथ होंगे, इनका चरित्र एक जैसा है, जैसे 150 क्वेश्चंस वाले एग्जाम अब एक साथ होंगे, यानी सीडीपीओ की भी वैकेंसी आएगी। हालांकि सीडीपीओ की वैकेंसी केवल 10 सीटों के लिए इसमें चर्चा की गई है कि केवल 10 सीटें होंगी। हाँ, इसमें फाइनेंस ऑफिसर के लिए 100 सीटें हैं और 1-2 सीटें इधर उधर की हैं, कुल मिलाकर 346 सीटें हैं। लेकिन आपके 69 बीपीएससी के लिए सीटों की संख्या अभी कम से कम 236 मात्र है, 236। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन अब काफी टफ होगा, चुके इस बार भी निगेटिव रहेगा। निगेटिव में ई ऑप्शन रहेगा कि नहीं, ये क्लियर नहीं किया गया है। निगेटिव होगा ये बता दिया गया है। चेयरमैन ने पहले कहा कि कुछ क्वेश्चंस ई ऑप्शन वाले भी होंगे, यानी पांचवा ऑप्शन अभी हटाया नहीं गया पूरी तरह से, उसमें आपका नेगेटिव होगा 1/4। 10-12-15-20 क्वेश्चंस हो सकता है ई ऑप्शन वाले होंगे, जैसा चेयरमैन ने कहा। लेकिन इसमें अधिकतर क्वेश्चन 100+ क्वेश्चंस, 100 से 120 क्वेश्चंस चार ऑप्शन वाले होंगे, जिसमें नेगेटिव 1/3 होगा। तो नेगेटिव होगा 1/3, 1/4, ई ऑप्शन भी रहेगा, पूरी संभावना है। चेयरमैन आते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, डिटेल्स आते रहेगा। अभी ये समझिए कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव 1/3 रहेगा, जिसमें चार ऑप्शंस रहेगा। अगर कुछ क्वेश्चंस 5 ऑप्शंस वाले होंगे, यानी ई ऑप्शंस के साथ, तो उसमें नेगेटिव 1/4 होगा, और ऐसे प्रश्न संभवतः 10 से 20 हो सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं कि 236 पोस्ट, अगर इतना कम पोस्ट है तो इस एग्जाम को हम कैसे निकालेंगे, इसे समझते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दें कि 3 जुलाई से जो पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसका काउंसलिंग नंबर यह है। एक पेड कोर्स 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 2.5 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें डिटेल्स आप इस काउंसलिंग नंबर पर ले सकते हैं। आइए बात करते हैं 236, उनके लिए यह सीट कम नहीं है जिन्हें केवल एक सीट चाहिए। और हम फिर से आपको बता दें कि यह एक सीट अगर होता तो आप कैसे केवल एक सीट में अपना एक सीट पक्का करते। आइए समझते हैं। बुक्स का डिटेल्स हमने दे दिया है, कुछ अच्छे बुक्स हैं जिसको रूटीन के साथ समर्पित होकर बिल्कुल टेबल पर बैठकर कि अब हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, किसी को हम नहीं पहचानते, हम ऐसी तैयारी में लग गए हैं कि आज के बाद हम किसी को नहीं पहचानेंगे। अगर तैयारी का ऐसा भाव है, ऐसा समर्पण है, तो बुक्स का सिलेक्शन हमने आपको बता दिया है। इन बुक्स के साथ गारंटीड आपका रिजल्ट आएगा, गारंटीड। साथ में एक बुक हम जोड़ेंगे, एक बुक हम अब जब सीटों की संख्या कम है, एक ऑब्जेक्टिव का बुक हम जोड़ेंगे इसमें, और ये सारे बुक्स लास्ट में दिए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर बार बार बुक्स बोलते हैं, आप प्रचार करते हैं, है ना, तो प्रचार उचार नहीं है, ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। और इसीलिए बुक्स का लिस्ट लास्ट में आप देख सकते हैं, जो भी बुक्स करते रहते हैं उसका लिस्ट लास्ट में है। इसमें आज से हमने एक ऑब्जेक्टिव जोड़ दिया है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट या क्राउन, दोनों में से किसी एक का आपको रखना चाहिए। आइए बात करते हैं कि टफ है, बहुत टफ है, लेकिन आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं इस एग्जामिनेशन को अभी भी निकालने में। कैसे? मन में सबसे पहले बिल्कुल दृढ़ विश्वास जमकर कठिन से कठिन तैयारी के लिए अपना माइंडसेट बना लीजिए। क्योंकि सीटों की संख्या 236 या 300, 500, 1000 हो सकती है, आपको केवल एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए। और हम एक सीट का उपाय बताते हैं आपको, केवल एक सीट का उपाय हम आपको बता रहे हैं आज, कि अगर सीटों की संख्या केवल एक होती तो आप इसे कैसे निकालते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सीटों की संख्या केवल एक होती तो आप इसे कैसे निकालते हैं या कैसे आप निकालती हैं, हमारी छात्राएं भी, हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। और सबसे पहले इसके लिए कुछ अच्छी बुक्स का लिस्ट आपको अपने पास रखना चाहिए। हां, यह हम फिर से बता दें,
कि ये जो हम बुक्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे आंसर्स केवल इन्हीं बुक्स में है, दूसरे बुक्स में भी पैरेलल इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि इन बुक्स को लेकर हम चलते हैं, इसका मेंटरशिप हम देते हैं, तो हम इसकी बातें करते हैं, इसका प्रमाण देते हैं, इसे दिखाते चलते हैं, ताकि आपको भरोसा हो कि अगर आपने हम पर भरोसा किया है तो ये बुक्स या जीएस मास्टर भरोसे के लायक है। तो सबसे पहले अच्छे बुक्स की संगत बनाइए, और जो संगत आपका पहले से बना हुआ है उसे सेट असाइड कीजिए। समय अभी नहीं है कि उनके साथ हम बातें करें या उस मोबाइल के साथ हम संगति बनाएं जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों को सेट असाइड, राइट एंड लेफ्ट कीजिए, और बुक्स के साथ सेंटर्ड बैठ जाइए अपने टेबल पर, जिसका लिस्ट लास्ट में आपको मिल जाएगा। इन बुक्स के साथ मेरी गारंटी है आपको कि आप कट ऑफ पार करेंगे, जो बीपीएससी निर्धारित करेगा हर एग्जामिनेशन के बाद, वो निर्धारित करता है 100 प्लस किसी भी स्थिति में, किसी भी कैटेगरी में आपका रिजल्ट होगा 100 प्लस। आप 100 प्लस कीजिए इस बार एग्जामिनेशन में, सीटों की संख्या की चिंता छोड़िए, आपका रिजल्ट पक्का है। और ये 100 क्वेश्चन सही आपका होगा इन बुक्स के साथ, जिसका लिस्ट हमने लास्ट में डाल दिया। करना क्या होगा, एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के साथ जम जाइए और उसे फॉलो कीजिए। दिन रात केवल बीपीएससी 69वीं बीपीएससी, और आपका 30 सितंबर को परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा कि आप हमें याद करेंगे। हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि ये बुक्स वर्थ वाइल है, काम के हैं, क्योंकि इसका हम रिव्यू करते रहते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइंस का क्वेश्चन बहुत टफ आया था ना पिछली बार 68वीं में, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने रिव्यू किया हुआ है इन बुक्स के साथ, जिसमें आप इस थंबनेल के साथ डिटेल्स जाकर ले सकते हैं। फिजिक्स में 10 में से 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 में से 9 क्वेश्चन इन बुक्स में लाइन के साथ हमने दिखाया है। हम दूसरी कैटेगरीज का भी इसी तरह से रिव्यू करते चलेंगे, करंट हो गया, बिहार हो गया, या दूसरे सेगमेंट हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब हम बताते चलेंगे। आप भरोसा करते हैं अगर जीएस मास्टर पर, जीएस मास्टर मेहनत करने को तैयार है आपके लिए, बताते चलेगा आपको, गाइड करते चलेगा कि किस दिशा में कैसे हम चलें, कि हमारा वो शॉर्टकट भी हो और हमारा निश्चित रिजल्ट हो। और ये रिजल्ट होगा आपके समर्पण भाव से, तैयारी में जमकर लगने से। समय बस अब उतना ही है, जिसमें 1-2 दिन भी अब इधर उधर करने के लिए नहीं बचा है। आज ही हमने एक एपिसोड डाला था जिसमें हमने आपसे कहा था कि समय निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, और ये टाइम अब तो लग रहा है कि कटी पतंग हो गया, चुके सीटों की संख्या उतनी नहीं है जितना हम चाह रहे थे। एसडीएम का पोस्ट नहीं है, डीएसपी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम फिर से कहें उसके बावजूद इसमें से 7-8 ऐसे पोस्ट हैं जो लेवल 9 के पोस्ट हैं, जो आपकी अच्छी सैलरी देते हैं, आपको अच्छा पोस्ट देते हैं, और निसंदेह समाज में भी आपका सम्मान बढ़ता है, आपका इज्जत बढ़ता है। हम फिर से कह दें, बुक्स हमने सही बता दिया है, और उस बुक्स के साथ अगर रूटीन के साथ आप दिन रात जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो निश्चित ही आपकी सफलता निश्चित होगी। हम वन लाइनर भी करना होगा, साथ ही कुछ कंसेप्ट वाले बुक्स भी पढ़ना होगा, जिसके लिए हमने एनसीईआरटी बेस्ड 3 बुक्स चलाए। एक गाइड बुक रखिए, एक बिहार स्पेशल रखिए, एक करंट का अभी रखिए, हम एक बाद में जोड़ेंगे बिहार स्पेशल बिहार करंट में, और 3 हमने जोड़ा है अरिहंत का। लेकिन एक हमने इस स्थिति को देखते हुए कि सीटों की संख्या कम है, कंपटीशन होगा, और वैसे स्टूडेंट्स जो हर हाल में निकालना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव का बुक रखिए। और यह ऑब्जेक्टिव का बुक लूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, परीक्षा वाणी का भी बड़ा अच्छा आता है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें चैप्टर वाइज। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे जो 6 बुक्स हैं, इन्हें लेकर चलिए, आपका रिजल्ट कंफर्म है, निश्चित होगा। 150 का मत सोचिए, 150 क्वेश्चंस कोई नहीं बनाता, हर कोई कट ऑफ पार करना चाहता है, और वहीं पर पीटी है, आपको केवल कट ऑफ पार करना है। आप ही चिंता कीजिए कट ऑफ पार करने का, क्योंकि कट ऑफ पार करेंगे मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले 100 प्लस कंफर्म कीजिए, और ये होगा करंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से, क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन अधिकतर लोग बना लेते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ये आपकी नैया पार लगाएगा, और ये 100 प्लस कराएगा। 150 का मत सोचिए, 100 प्लस को कंफर्म कीजिए, और ये मेहनत करने से, जुटे लगे रहने से रिजल्ट होता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।